ओके स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा कि क्लास 10th में चैप्टर 4 तक, 1 से लेके 4 तक क्या क्या चीज़ें डिलीटेड थी और क्या चीज़ें आएंगी। अब हम पार्ट 2 में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 से लेके 15 तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि क्या चीज़ें आपके लिए आपने करनी है और कौन कौन से चैप्टर एक्सरसाइजेज में से कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी है। तो जैसे हमारा चैप्टर 5th है तो इसमें आती है एक्सरसाइज 5.1। इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। यू हैव टू डन कंप्लीट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.2 पे बढ़ते हैं। 5.2 में देखिए लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, यही दो क्वेश्चन आपके कट हैं, बाकी आपने कंप्लीट करने हैं। यू हैव टू डन क्वेश्चन नंबर 1 to 18 कंप्लीट। ठीक है, ये 1 से लेकर 18 तक आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। कौन से कट हैं? ओनली 19 और 20 क्वेश्चन कट हैं 5.2 में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5.3 में से। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 आगे जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके कट हैं। यू हैव टू डन ओनली क्वेश्चन नंबर 1 to 14 कम्प्लीट। आपने 5.3 में 1 to 14 तक सारे क्वेश्चंस करने हैं, उसके आगे नहीं करने हैं। फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6th चैप्टर पे। एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 ये आपने कंप्लीट करनी है। इनमें से कुछ कट नहीं है, आपने सारा कंप्लीट करनी है। जितनी भी एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चंस हैं, सभी कंप्लीट करने हैं। सिर्फ क्या है, दो थ्योरम है इसमें हमारी, एक तो इनवर्स ऑफ पाइथागोरस है और एक थ्योरम है सिमिलर ट्रायंगल के एरिया पे बेस्ड। ठीक है, वो दो जो थ्योरम्स हैं वो दो थ्योरम ही कट हैं बस, बाकी आपने सारी एक्सरसाइज ये करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1, 7.2 यू हैव टू डन कम्प्लीट, ये आपने पूरी करनी है, कोई कट नहीं है। सिर्फ जो चैप्टर 7 में से आपका कट है वो क्या है, एक्सरसाइज 7.3, ये कंप्लीट कट है आपकी। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 है एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस, ये आपकी सारी डिलीटेड पोर्शन में इसमें। ठीक है, सिर्फ आप 7th चैप्टर में से कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, 7.1 एंड 7.2। आगे बढ़ते हैं 8th चैप्टर पे। चैप्टर 8th और 9th नो रिडक्शन, यू हैव टू डन कम्प्लीट। 8th और 9th में आपका कोई भी रिडक्शन नहीं है, आपने कंप्लीट करना है। 8th चैप्टर में थोड़ा सा जो पोर्शन है वो डिडक्टेड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, लेकिन उसके आपके एक्सरसाइज में 1 या 2 ही क्वेश्चंस हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी आपने वो करने कंप्लीट ही है। ठीक है, 8th और 9th चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे, कोई रिडक्शन नहीं है। 10th में भी नो रिडक्शन, जो सर्कल का जो चैप्टर है उसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है। यू हैव टू डन कंप्लीट चैप्टर। 11.1 जो एक्सरसाइज थी आपकी चैप्टर 11th में, 11.1 वो कंप्लीट डिलीटेड है, उसमें से आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 ये आपकी पूरी डिलीटेड है, पूरी कट है ये एक्सरसाइज। ठीक है, उसमें आपके वो थे ना जो ट्रायंगल बनाते हैं हम, एक ट्रायंगल गिवन है उसके जो भी है रेशो के अकॉर्डिंग दूसरा ट्रायंगल हम फॉर्म करते थे, तो वो 11.1 डिलीटेड है। 11.2 यू हैव टू डन दिस कंप्लीट एक्सरसाइज, ये आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है, ये पोर्शन डिलीटेड नहीं है। 11.2 आप कंप्लीट करके चलेंगे। अब बढ़ते हैं 12th चैप्टर की तरफ। तो 12.1, 12.2, 12.3 यू हैव टू डन कंप्लीट एक्सरसाइज, ये भी आपको पूरी करनी है, कोई पोर्शन इसमें से ऐसा नहीं है जो डिलीटेड है। एक पोर्शन डिलीटेड बताया गया है जो 120 डिग्री के एंगल के साथ में, वो आपका एक ही क्वेश्चन है सिर्फ 12.3 में, जो कि आपने करना ही है, कर लेना, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। ओनली एक क्वेश्चन के पीछे क्यों वो कर रहे हो फिर। ठीक है, तो ये आपने कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3 यू हैव टू डन कंप्लीट, ये तीनों एक्सरसाइजेज आपने कंप्लीट करनी है। सिर्फ आपकी कौन सी एक्सरसाइज डिलीटेड है 13 चैप्टर में से, 13.4 ये आपने नहीं करनी है, ये फर्स्ट टर्म पे बेस्ड है तो फर्स्ट टर्म की एक्सरसाइज आपने 13.4 नहीं करनी है। आप 13 चैप्टर में तीन ही एक्सरसाइज करके चलेंगे, 13.1, 2 एंड 3। 14 चैप्टर पे बढ़ते हैं। 14 में आपने 14.1, 14.2, 14.3 यू हैव डन कंप्लीट, ये एक्सरसाइज तीनों आपने कंप्लीट करनी है। सिर्फ जो डिलीटेड पोर्शन है वो क्या है हमारा, एक्सरसाइज 14.4, जो डिलीटेड पोर्शन है वो क्या है 14.4, ये एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है। इसमें वो है आपका जो होगी वगैरह का जो चीज़ें हैं ना वो आपने नहीं करनी है। एक्सरसाइज 14.4 इसमें से हमारी डिलीटेड है। चैप्टर 14 में आपने सिर्फ क्या करना है, तीन एक्सरसाइज करनी है, 14.1
एंड 14.3। चैप्टर 15 है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने कंप्लीट करनी है, कोई रिडक्शन नहीं है इसमें। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है या कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपने नहीं करना है, ठीक है। ये आपने सारा करना है। आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि कितना क्या कुछ सिलेबस जो है आपका डिलीटेड है, कौन कौन से जो एक्सरसाइजेज हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपने करने हैं। ओके।